रविंद्र जडेजा ये खिलाड़ी फिलहाल अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहा है। ऐसे में कई दिग्गजों का मानना है कि जडेजा को 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए। दिग्गजों का मानना है कि जडेजा की बल्लेबाजी का सबसे बेहतरीन उपयोग उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराकर किया जा सकता है। सीएसके मैनेजमेंट और महेंद्र सिंह धोनी को कई बार देखा गया है कि खिलाड़ियों को ऊपर बल्लेबाजी कराते हैं। आईपीएल के पहले हाफ में भी देख चुके हैं कि सैम करन सीएसके के लिए ओपनिंग किया करते थे। उनके अलावा अंबाती रायडू से भी महेंद्र सिंह धोनी ओपनिंग करा चुके हैं। इस सीजन में सुरेश रैना 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर पर मोइन अली को आजमाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले मैचेस में टीम मैनेजमेंट जडेजा को 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेज सकता है, क्योंकि पावर प्ले में जडेजा अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो टीम को एक अच्छी शुरुआत भी मिल सकती है। कोलकाता के खिलाफ 8 गेंदों पर 22 रनों की पारी के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जडेजा अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जडेजा को अगर 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए तो टीम को एक अच्छी शुरुआत तो दिलाएंगे ही, बल्कि बड़े स्कोर की तरफ भी ले जा सकते हैं जडेजा। इस सीजन सीएसके के लिए जडेजा ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली है और उनका एवरेज टीम में सबसे बेहतरीन है। 70 के एवरेज से ये बल्लेबाज रन बना रहा है। वैसे महेंद्र सिंह धोनी भी कई बार कह चुके हैं, अगर कोई खिलाड़ी टच में नजर आता है और सही स्थिति का फायदा उठा सकता है तो उसे ऊपर भेजा जा सकता है। यानी कि आने वाले मैचेस में जडेजा आपको 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। क्या जडेजा को 3 नंबर पर बल्लेबाजी कराना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।